हेलो गुड मॉर्निंग और दिस इज डे फोर। हम लोग हैं गोरखपुर में, आज जाने वाले हैं नेपाल। आज मिलेगी हमको नेपाल में एंट्री। तो अब जो है प्रॉपर शेड्यूल में आ गए हैं हम लोग, जो इटिनरी बनाया था उसके हिसाब से शेड्यूल बैठ गए। बस थोड़ा जो है आराम कम मिला है जो हमने कल के लिए सोचा था, बट ठीक है। हम लोग रात को टाइम से पहुंच गए 11:30 बजे के आसपास। मैं और प्रणीत साथ में, राइट। आज शादी अटेंड कर रहा था, फिर हम लोग गए शादी में, खाना पीना खा के आके मस्त सो गए, नींद भी अच्छी हो गई। अभी ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं। हम लोग लुम्बिनी, मुझे लगता है अराउंड 100-120 किलोमीटर के आसपास होगा कुछ तो, और नेपाल बॉर्डर यहाँ से 75 किलोमीटर है सनौली में। आज पहला इंटरनेशनल ट्रिप है मेरा, इसका दूसरा है तेरा? पहला इंटरनेशनल ट्रिप गाइस। ओह वी आर गोइंग ऑन इंटरनेशनल ट्रिप। लाइक एक्सेंट नहीं चेंज हो जाता। और पैकिंग वैकिंग हो चुका है क्या सबका? थोड़ा बहुत बाकी है, कचरा पड़ा हुआ है। रूम काफी छोटा है, जगह नहीं मिल रही है हमको पैकिंग करने के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। नहा धो के हो चुका है। शॉर्ट शिफ्टर्स ब्लॉग चालू कर दे भाई तेरा भी। Yes, चालू करते हैं व्लॉगिंग। Hey, what's going on guys and welcome to the channel and it's a day 4 of our So we are all set for the entry to Nepal। अभी गोरखपुर से होटल से हम निकल रहे हैं और बस हमें हमारे इंश्योरेंस का हार्ड कॉपी निकालना है जो कि हम भूल गए हैं, और PUC भी कंपलसरी नहीं है पता नहीं, पर फॉर द सेफर साइड हम PUC भी निकाल देंगे। सब लगेज लग चुका है, अभी चलते चलो। चलो फिर, नाउ वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर सनौली बॉर्डर गोरखपुर से। उसके पहले हम लोग को PUC करवाना पड़ेगा और मेरा डोमिनर का इंश्योरेंस का हार्ड कॉपी प्रिंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे जेरोक्स एक देना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे नज़दीक में एक साइबर कैफे है, चेक कर लेता हूँ। चले आगे आओ, इधर आगे आओ, मैं वो साइबर कैफे देखता हूँ। कहाँ पर है साइबर कैफे? अभी सर्च तो किया था हमने, यहीं कहीं पे होना चाहिए, एकदम नियर बाय है। अच्छा आगे राइट साइड, यहाँ नीचे या फिर यहाँ पर साइबर कैफे ऊपर है, बंद है चालू? अच्छा ऊपर है वो। लगता है कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन ठोका? किसको ठोका? रहा चलते लोग, कुछ तो हुआ। खाली को ट्रैफिक करके रखा है यार, इतना थोड़ा हुआ रहेगा, बट यार ऐसा ट्रैफिक करके रखा है, बोर हो रहा है ट्रैफिक में। रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, चलो अच्छा है, 4 लेन बन रहा है, बनने के बाद जरा अच्छा हो रहा है ट्रैफिक का। समवेयर इन बिटवीन द रोड टू सनौली बॉर्डर नेपाल एंड पूरा ऑफ रोड चालू हो गया यहीं से लगता है। नेपाल में मस्तांग वैली में तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड मिलने वाला है। अभी काफ़ी ट्रैफिक है, कुछ जब गूगल पे हमने जब देखा था तो वहाँ उसमें लिखा था कि 9 बजे तक एंट्री अलाउड है, लेकिन जुलाई महीने में हमारे कुछ दोस्त राइडर जो हैं वो नेपाल आए थे, उन्होंने नेपाल भूटान ट्रिप किया था और उनका कहना है कि 6 बजे के बाद मुश्किल हो जाता है एंट्री लेना, बंद हो जाता है। तो 5:20 तो 5:25 हो गए हैं, होप्स हो कि हम टाइम पे पहुंच जाए और आज एंट्री हो जाए, क्योंकि अगर आज एंट्री नहीं हो पाता है तो शेड्यूल में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, एक दिन का फ़र्क पड़ जाता है पूरा। सनसेट ऑन इट्स वे,
4:20 हुआ है भाई, 5:20 नहीं हुआ, 4:20 टाइम करेक्शन 12:24 रुक जा भैया जाने दे। ओहो ऑफ रोड पूरा का पूरा ऑफ रोड। जिस हिसाब से मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे मस्तान वाली के, उस हिसाब से ये उसका 10% भी नहीं है शायद। तो सोचिए कि मस्तान वैली में क्या हालत होगा। अब सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी है नेपाल बॉर्डर को आने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स ने भी थैंक यू बोल दिया। यहाँ पे पूरा एक तरफ ट्रक्स की लाइन खड़ी है, शायद बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए होगा, पता नहीं। तो भैया हम पहुँचने वाले हैं नेपाल, बहुत ही एक्साइटमेंट है। फाइनली आफ्टर 3 डेज ऑफ राइडिंग, जिसमें से एक ही दिन की पूरी तरीके से राइडिंग हुई है, बाकी 2 दिन तो ऐसे ही बस टाइम वेस्ट कर करके थक थक क्या है। दिस इज द 4th डे। यह दुकानें सजावट की हुई, एजेंट भैया पहले ही आ चुके हैं, देखते ही मतलब आ ही जाते हैं वे। चलो कोई नहीं यार, हमें पता है 100 रुपीस पर बाइक कुछ तो लेते हैं, 100 कितना बोला था हितेश ने, बोला था मॉनसून मशीन आए थे जुलाई में। एक मिनट भाई, पहले इनको आने दो, कहाँ है। जस्ट वन मिनट, आपको बाकी लोग यहीं आएंगे तो आप यहीं से करके एक सारी फिगर बना के सबका भेज दूंगा। ओके। क्या हुआ है तुम्हारा? लो भैया इधर आइए। आई कम बैक, कम बैक बने तैयार बने। कहाँ लगाए वे, कहाँ अंदर घुसे। सो भाई एंटर कर लिया है नेपाल, फाइनली एंट्री हो गया है। 1.5 घंटा लगा हमको एंट्री के लिए, पेपर वर्क कर लिया थोड़ा। एंट्री शूट नहीं किया है क्योंकि हमने सोचा कि शायद कुछ दिक्कत आए उससे। तूने किया है क्या? अच्छा भाई बहुत किया, तो हमने सोचा कि इसलिए मैंने निकाल दिया था कि नहीं करे, पर वैभव ने कर दिया है तो अच्छी बात है। अभी हम चलेंगे लुम्बिनी के लिए, और लुम्बिनी में भी होटल बुक हो चुका है। चलो दलोस किधर गए, तू भी लेके आए थे। अरे क्या कर रहे थे, तो मुंह पे फेंक रहे, बोल तो सही। चलो चलो फटाफट, लेट करने का टाइम भी नहीं लगता अभी लगे। ये है लुम्बिनी जाने का रास्ता, मुक्तिनाथ का प्रैक्टिस करवाने लगता है अभी। है एक तो पूरा दिन का राइडिंग की वजह से जो अभी एक पेन हो रहा है नेक के नीचे पीछे, ऊपर से ये
ऑफ रोड है, सिर्फ 11 किलोमीटर जाना अपने को अभी, और बाइक लेन रहेगा। सही है भाई, मेहनत करवा रहे हो आज, लेकिन थोड़ा आराम एक्सपेक्टेड है। 7:45 हुए अभी, तो अप्रॉक्सीमेटली 8:30 तक भी पहुंच जाते हैं मतलब रूम के अंदर, तो आराम मिल जाएगा आज। मस्तांग सड़क रहा है भैया, गाड़ी मस्तांग करने का बाकी है। कल पोखरा जाने को भी 6-7 घंटा लगेगा अपने को। अब लुम्बिनी पहुंचने की तैयारी हो चुकी है, 700 मीटर दूर है अभी हमारा जो स्टे है आज का, वहीं से डिसाइड करके आ गए थे बॉर्डर से। वो उन्होंने जिनके पास परमिट और सिम कार्ड वगैरह करवाया उधर ही, उन्होंने बताया कि उनका है एक जगह पे, तो वहीं से करवा लो। उन्होंने बुकिंग करवा दिया हमारा, 1500 रुपये 3 दिन के लिए 3 बेड वाला रूम मिला है। नेपाल में केरला, क्या बात है। Where is this Lumbini guest house? ये रहा, अच्छा है क्या The Lumbini guest house? ओयो पे भी है, ओयो पे देखना चाहिए था कितना यार, चटनी क्या सस्ता रहता। चलो कोई नहीं, देखते लेट्स सी। हम पहुंच चुके हैं लुम्बिनी में और थोड़ी थोड़ी ठंड है, हम लोग बाहर निकले हैं, बैग्स वगैरह सब रख लिया रूम में, एंड अभी डिनर करेंगे। 9 बज चुके हैं, ठंड है ना। हाँ, अच्छी खासी ठंड है, अच्छी ठंड है, बट फील नहीं हो रही है यार अपने को इतनी। हाँ ठंड है। चलो फिर आगे जाते डिनर करते। सो फाइनली नेपाल इंटरनेशनल राइड गाइस। ऑलराइट गाइस, तो हमने मंगवाया है, पहले तो कोका कोला मंगाया है और 3 थाली मंगाई है, शायद नेपाली थाली आएगी पता नहीं, पर मंगाई है, रोटी भी है उसमें, और मंगाया है वेज मोमोस। और ये है डे 4, हम कर रहे हैं माइक टेस्टिंग। 1 2 3 बोलो, 4 3 2।